कांग्रेस में रहकर पार्टी के खिलाफ बयान देने के आरोप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सढौरा के विधायक राजपाल भूगड़ी को जारी किए गए नोटिस के बारे में अशोक तंवर ने कहा है कि उनका नोटिस देना मकसद नहीं है, उनका मुख्य मकसद सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। वहीं राजपाल भूगड़ी ने तय समय सीमा में नोटिस का जवाब भेज दिया है। भूगड़ी का कहना है कि प्रदेश में दूसरे नेता भी भेदभाव के साथ साथ सीएम के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही किसी तरह का नोटिस भेजा गया। उन्हें दलित होने के कारण ये नोटिस भेजा गया है। हालांकि भूगड़ी ने नोटिस के भेजे गए जवाब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह आगे भी जनता के हक के लिए इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। नेगेटिव उसको मत लीजिए, इसको थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए, हमारे में भी काफी है। तो इसलिए 24 घंटे के आसपास 2-4-5 घंटे ऊपर नीचे अभी हुए होंगे और मैं समझता हूँ कि आज हम वेट करेंगे, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई है वो हम आगे बात तक कांग्रेस उनके माध्यम से उस बात को आगे कार्रवाई। हाँ, मुझे कल शाम को 6:30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय का नोटिस प्राप्त हुआ था और मैंने आज 3 बजे फैक्स के माध्यम से और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ईमेल पे फैक्स भेज दिया है और मैंने वहाँ से फ़ोन करके कंफर्म भी कर लिया है कि उनको नोटिस का जो मैंने जवाब दिया है वो पहुँच चुका है। और तीसरा, मैंने अपने पर्सनल ये बाई हैंड भी वहां पर जवाब भेज दिया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।